सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़िया रहना। बाकी चल रहा था हमारा सीएस रैंक का एपिसोड, पता नहीं यहाँ पे कौन सा एपिसोड होने वाला है। आई थिंक यहाँ पर एपिसोड 10 होने वाला है, यहाँ पर एपिसोड 10 मतलब हो सकता है यहाँ पर इस सीजन का एपिसोड 10 स्टार्ट हो चुका है। बाकी यहाँ पर सीएसआर सीरीज में तुम बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। बाकी मेरी करंट रैंक देखो तुम लोग, 175 स्टार मैंने लगा दिए। बाकी इस सीजन हम रीजन करेंगे नहीं करेंगे, मतलब रीजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसका मैं आंसर थोड़े दिनों बाद, बिकॉज अभी मेरे को खुद नहीं पता कि यहाँ पर मैं रीजन करूंगा नहीं करूंगा। बाकी यहाँ पर 175 स्टार तो हो चुके हैं, यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कल तक 100 प्लस स्टार हो जाए यहाँ पर। और बाकी रीजन करने के लिए अभी मेरे को काफी स्टार चाहिए, यानी कि यहाँ पर कुछ 300 स्टार चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं रीजन करना चाहता हूँ तो बाकी यहाँ पर रीजन की आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। बाकी टीम कोड के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, 25 से मैं तुम्हें टीम कोड दूंगा। यहाँ पर रात के 8 से 10 बजे के बीच में हम साथ में खेलेंगे और नेक्स्ट डे तुम्हें वो एपिसोड देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर जिसने फॉलो नहीं किया आ जाओ इंस्टाग्राम पे। बाकी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो में काफी मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो भाई, तो यहाँ पर हम आ चुके अपने पहले गेम में और यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा है, डिमित्री ऑन थी, यहाँ पर मैंने हेडशॉट दे दिया एंड यहाँ पर मेरा टीममेट तो रिवाइव हो जाएगा लेकिन ये नहीं बचेगा। इसको तो क्लियर कर दिया लेकिन मेरे सारे टीममेट्स नॉक है, यानी कि एक ही टीममेट है यहाँ पर। मार मुझे, इसको मैंने यहाँ पर जल्दी से क्लियर ले लिया। इसके बाद 2v2 सिचुएशन हो जाती है और यहाँ पर ये बंदा आ रहा था, मैंने हेडशॉट दे दिया सबसे पहले। तो एक लास्ट बंदा है, किधर की साइड है नहीं पता, यहाँ पे है और यहाँ पे काफी डैमेज, बहुत डैमेज है यहाँ पे, सिर्फ एक दो गोली का होगा। एंड यहाँ पर पता नहीं कैसे लेकिन मेरा किल आता है ये वाला भी, और यहाँ पर ये वाला राउंड हम निकाल लेते हैं, मुश्किल था लेकिन हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर इस राउंड में क्या होता है, मेरे पास एक नेट था, मैं ग्रेनेड करने के लिए सामने की तरफ जाता हूँ एंड यहाँ पर ऊपर की साइड एक बंदा है, तो यहाँ पर मेरी स्किल ब्लॉक हो जाती है। स्किल ब्लॉक होती है, मैं यहाँ पर जल्दी से नेट करता हूँ एंड नेट से उसको डैमेज आया और यहाँ पर मैं अपनी हील कर रहा था, मेरी स्किल ब्लॉक है यहाँ पर, मेरा हील हुआ नहीं। बट यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा, मेरे को लगा मैं इसको ले लूंगा लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले ने मेरे को ही खत्म कर दिया, पता नहीं कितनी जल्दी उसने हील कर लिया और यहाँ पर खत्म हो जाता है। और मेरे खत्म होते हैं, मेरे सारे टीममेट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। सो ये राउंड हम हार जाते हैं, मगर क्यों? अभी यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और सामने की तरफ से बंदे दिख रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत फायर करने का ट्राई किया लेकिन यहाँ पर डैमेज नहीं आया। और ये बंदे काफी अच्छा खेल रहे हैं, मतलब सामने से वो बंदे हारना नहीं चाहते थे, काफी टफ मैच होने वाला है, यहाँ पर देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं। बाकी यहाँ पर सामने भी ग्रैंड मास्टर के बंदे हैं, तुम्हें पता होगा मेरी रैंक, जिस हिसाब की मेरी रैंक है वहाँ पर सामने बंदे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बाकी हम भी यहाँ पे मतलब हारना पसंद नहीं करते, देखते हैं यहाँ पर एंड में क्या होता है। बाकी यहाँ पर ब्लॉकर आ गया है, हम पे रश, लेफ्ट साइड से यहाँ पर हमारे ऊपर रश हो जाता है, सामने की तरफ ही बंदा है, काफी डैमेज, मैंने जल्दी से रश करके इसको खत्म कर दिया, मेरे पास तात्सुया था। बाकी यहाँ पर एक और बंदा आया, ये भी तात्सुया लगा के आया और काफी डैमेज, मतलब काफी जल्दी आया मेरे सामने, मेरे को दिखा भी नहीं, शायद से डैमेज था। और यहाँ पर मैंने इसको नॉक ले लिया, मैंने यहाँ पर जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव किया। अब देखो यहाँ पर मैच हो जाता है 2v4। अब यहाँ से मैच पता नहीं कैसे पलट जाता है, सामने की तरफ दो बंदे हैं, हमारे चार हैं। यहाँ पर मैं गया और एक बंदे को हेडशॉट दे दिया सबसे पहले मैंने, यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को नॉक ले लिया और ये सीधा बंदा जाता है अपने टीममेट के पास। लकीली यहाँ पर मेरा टीममेट मेरे पास था और इसके पास थीवा था, इसने मेरे को काफी जल्दी रिवाइव कर दिया। बाकी यहाँ पर सामने की तरफ सिर्फ दो बंदे हैं और हमारा एक बंदा नॉक था लेकिन उसको उन लोगों ने क्लियर ले लिया। अब यहाँ पर मैच हो जाता है 3v2 एंड सामने की तरफ दोनों बंदे उधर की साइड, लेकिन ये बंदे काफी जल्दी होल्ड करते हैं, मतलब वहीं पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर जोन आ रहा है लेकिन वो बंदे निकले नहीं अभी तक, और हमारा एक बंदा सामने गया और उस बंदे पे वो दोनों बंदे कूद जाते हैं, जाते ही वहाँ पे एंड उन दोनों ने मिलकर उस बंदे को नॉक कर दिया। जैसे वो नॉक होता है मैं इधर गया, मैंने इसको नॉक ले लिया। अब यहाँ पर ये लास्ट बंदा, ये भी काफी ज्यादा भगा रहा था, मतलब अब यहाँ पर 1v2 हो चुका है, यहाँ पर 4v2 से 1v2, यहाँ पर अंदर की साइड मैंने काफी डैमेज दिया इसको। अब यहाँ पर ये भागने का ट्राई कर रहा है, इसको रिवाइव कर लिया मेरे टीममेट ने जिसको मैंने किल किया और यहाँ पर मेरा एस हो जाता है और इसी के साथ ये राउंड निकालते हैं। बाकी यहाँ पर सामने वालों ने काफी अच्छा खेला इस राउंड में, तुम देख सकते हो, मतलब किसी ने भी होप नहीं छोड़ी एंड यहाँ पर काफी टफ मैच था लेकिन ये राउंड हम जीते। क्या बात है, फिर हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में एंड यहाँ पर सामने की तरफ बंदे हैं, मैंने सबसे पहले नेट फेंका, नेट फेंकते यहाँ पर काफी डैमेज तो नहीं आया लेकिन यहाँ पर पता लग गया कि सामने कोई था नहीं। यहाँ पर बंदे आ चुके हैं सामने की साइड एंड मेरे सामने आया एक बंदा, इसको हेडशॉट दे दिया सबसे पहले। तो यहाँ पर दो नॉक आते हैं सामने की तरफ, यहाँ पर 2v2 हो चुका है यानी कि सिर्फ दो ही बंदे हैं सामने। मैं इधर से जा ही रहा होता हूँ, सामने की तरफ एक बंदा था एंड वहाँ पे वो बंदा पता नहीं किधर है, लास्ट वाला बंदा है नोको की साइड दिख रहा है मेरे को एंड वहाँ पर उस बंदे ने एक बार फिर से मेरे सारे टीममेट्स को नॉक ले लिया। अब यहाँ पर मैंने उसको रिवाइव तो कर दिया, दिमित्री था, लेकिन यहाँ पर अब हमारे सामने 1v2 हो गया, उसके पास शायद से AWM है लेकिन मेरा टीममेट उसको AWM मारता है एंड यहाँ पे एक गोली का था तो हमने रश कर दिया और यहाँ पर हमने इसको खत्म कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पर राउंड निकालना काफी टफ हो रहा था। मतलब इस मैच में भी तुम देख सकते हो यहाँ पे सामने की तरफ दो बंदे हैं। मैंने मोको से सबसे पहले यहाँ पर देख के मोको देख के नेट पे का मैं इधर जा रहा था। वैसे मेरे को जाते ही पता नहीं कहाँ से AWM पड़ी और एक शॉट में मेरे को नॉक ले लिया। पता नहीं कैसे लिया लेकिन एक ही शॉट में मेरे को नॉक ले लिया। मेरे टीममेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर काफी अच्छा नॉक लिया इस बंदे को, जिसको मैंने नॉक लिया था उसको दोबारा से अभिनव ने नॉक लिया। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या यहाँ पर अभिनव कुछ हो पाएगा। इधर आया और ये बंदे ने जल्दी से हेडशॉट दे दिया। भाई क्या बात है, अभी यहाँ पे हमारा लास्ट टीममेट बचा हुआ है, वो देखते क्या करता है। अकेला बंदा, उसके पास AWM थी और यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, उसको भी खत्म कर दिया। मजा नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं हम इस राउंड में और यहाँ पर दो बंदे राइट पे थे, तुम देख सकते हो। एक मोको दिख रहा है मेरे को, सो सबसे पहले मैंने नेड किया। यहाँ पर जैसे ही नेड किया ये बंदा नॉक आ जाता है एंड यहाँ पर पीछे की साइड एक बंदा, इसको मैंने हेडशॉट दे दिया सबसे पहले तो, और इसको मैंने जल्दी से क्लियर ले लिया। एंड यहाँ पर एक बंदा राइट में भी है क्या, राइट में था लेकिन वो नॉक हो चुका अभी के टाइम पे। एंड यहाँ पर एक बंदा लास्ट बंदा बचा हुआ है जो कि इधर की साइड है और इसको पता नहीं किसने मारा, लेकिन यहाँ पर ये गेम हमारा बुआ हो जाता है और इसी के साथ हमारे 157 स्टार प्लस हो जाते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मैच में और यहाँ पर रिजन पुश करना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। हेडशॉट, ये नॉक गया, पहला बंदा तो नॉक आ चुका है सबसे पहले। और इस बार मतलब हमने स्किल लगा रखी ये वाली और यहाँ पर मैंने मतलब काफी इजी स्किल लगाई थी लेकिन हेडशॉट दे दिया। भाई पता नहीं कैसे हेडशॉट दिया इसने मेरे को, पता नहीं कैसे हेडशॉट लगता है इनका, लेकिन काफी गंदा हेड लगता है। तुम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को नॉक कर दिया था। यहाँ पर देखते हैं मेरे टीममेट्स क्या करते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे करके इसको नॉक ले लिया और पहला राउंड हम निकाल लेते हैं। अब सेकंड राउंड में मेरे पास वाइजन थी तो यहाँ पर मैंने काफी डैमेज दे दिया और डैमेज देने के बाद उसको मैंने नॉक भी ले लिया। यहाँ पर नॉक लेने के बाद अब देखते हैं मेरे पास ड्रॉप है और एक बार फिर से मेरे को पड़ेगी। पता नहीं डेजर्ट से मारा किससे मारा, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से टीममेट्स ने यहाँ पर राउंड निकाल दिया। क्या बात है यहाँ पर, मतलब कभी कभी तो निकाल देते लेकिन कभी कभी हम लोग पिटते हैं काफी गंदा। सही बात है, लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए, मतलब बस इतना मैटर करता है तुम्हारा प्लस हो रहा है कि नहीं, माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी राउंड निकाले यहाँ पर, कभी तुम निकालोगे कभी तुम्हारे टीममेट्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर रैंडम्स तो मतलब कभी कभी बेकार आते हैं कभी सही आते हैं, तो ये तो सब लक पे डिपेंड करता है। देखते क्या होता है, सामने की तरफ एक बंदा है, इसको जल्दी से मैंने नॉक ले लिया। यहीं पे सारे बंदे थे, पता नहीं कहाँ थे, यहीं पे थे सारे बंदे और यहाँ पर सामने की साइड से पता नहीं किसने मारा लेकिन सबको नॉक ले लिया। अब यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, पता नहीं किधर की साइड है, शायद से ऊपर है, मेरे सामने की साइड है और यहाँ पर अभिनव ने जाके उसको खत्म कर दिया। मेरे को किल नहीं मिले इस राउंड में भी, लेकिन ये वाला राउंड भी हम निकाल लेते हैं। काफी लॉन्ग पे था ये बंदा और इसको मैंने जल्दी से AWM का शॉट देके नॉक ले लिया। इसको नॉक लेते ही एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन वो बंदा तो मर चुका था, लेकिन आप देखते हैं इसमें क्या होता है। इधर है सामने डबल AWM मेरे पास और मैंने जल्दी से नॉक लिया। ये बंदा मेरे ऊपर एम कर रहा था ओम से, यहाँ मैंने स्किल ऑन करी और यहाँ पर एक शॉट, सिर्फ एक शॉट का है। एंड यहाँ पर इस शॉट के साथ ये गेम खत्म होता है और पूरी तरीके से ये गेम हम जीत चुके हैं और यहाँ पर हमारे हो जाते हैं टोटल 158 स्टार कंप्लीट। क्या बात है। फिर हमारा एक और गेम स्टार्ट होता है और यहाँ पर देखो काफी मजा आने वाला है। मेरे पास था चुका था, यहाँ पर सामने की तरफ ही बंदे हैं, हेडशॉट और काफी जल्दी हेडशॉट देके मैंने इसको नॉक कर दिया। पहला बंदा तो यहाँ पे नॉक आता है और यहाँ पर मैंने इसको क्लियर भी कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं और बंदे किधर है, एक तो यहाँ पे था और यहाँ पे काफी जल्दी नॉक ले लिया इसको मेरे टीममेट ने। एंड यहाँ पर अब दो बंदे हैं सामने की तरफ और हम तीन हैं, तो शायद से हम राउंड निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पीछे की साइड से एक बंदा आया, पता नहीं कैसे हेड मारा इसने मेरे को काफी जल्दी, यहाँ पर मेरे को हेड दिया और यहाँ पर इस बंदे ने इसको खत्म किया और यहाँ पर ये लोग राउंड निकाल गए। बताओ, लेकिन फिर इसने इमोट दिखा दिया तो फिर मेरे पे गुस्सा आ गया, तो यहाँ पर मैं सीधा गया अंदर की साइड। एंड यहाँ पर मैंने सोचा रश करके ही मारेंगे जिसको ही मारना है। एंड यहाँ पर मेरे टीममेट ने कवर दिया, ये नॉक किया। एंड यहाँ पर ये लड़की आई सामने, पहली फुर्सत में निकला, इसको भी UMP भरती। एंड यहाँ पर एक लास्ट बंदा है, देखते किधर है, इधर है भाई लास्ट वाला बंदा, निकल भाई सामने की तरफ से। यहाँ पे एक बंदा है, मतलब उधर दिख गया मेरे को बैरिकेड के पीछे है बंदा। अब मेरे पास XM8 और यहाँ पर मैंने जल्दी से इसको क्लियर किया। एंड यहाँ पर ये वाला राउंड हम काफी इजी निकाल लेते हैं, मतलब इमोट दिखा रहा था यार, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब यहाँ पे इस राउंड में मेरे सामने एक बंदा जाता है और यहाँ पर मैंने इसको जल्दी से हेडशॉट दिया और यहाँ पर मैंने इसको क्लियर भी ले लिया। अब यहाँ पर दूसरा बंदा किधर है, बताओ। मेरे ऊपर ब्लॉकर आ जाता है लेकिन क्या फायदा, अब तो एक लास्ट बंदा है, किधर की साइड है पता नहीं, उसको पता नहीं किसने क्लियर किया, लेकिन ये वाला राउंड भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्कोर इक्वल हो चुका है, यानी कि ये राउंड काफी खतरनाक होने वाला है बिकॉज सामने वाले भी काफी अच्छे खेलेंगे, तो देखते क्या होता है। सबसे पहले तो वॉल तोड़ी मैंने, यहाँ पे ऊपर की साइड बंदे हैं, यहाँ पे काफी गंदा फाइट हो रही थी, सामने की तरफ फ्लैश फ्रीज। एंड यहाँ पर एक बंदा नीचे है, ये तो मेरा टीममेट है भाई, इसको मैं क्यों मार रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वॉल लग गई, इसको लग रहा है बच जाएगा। ये गया यहाँ पे पहला बंदा और मैंने जैसे ही इसको क्लियर लिया मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है, पता नहीं कैसे नॉक हुआ, लेकिन यहाँ पर AWM पड़ी है इसको और यहाँ पर मेरे जाते ही बंदा क्लियर हो जाता है। मतलब मैं तो बस पहुंच ही गया था, रिवाइव कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अब 2v2 हो चुका है, यहाँ पर मेरे दोनों टीममेट खत्म हो गए। यहाँ पे मैं फ्लैश फ्रीज कर ही रहा था कि एक नेट करके मेरे टीममेट ने दोनों को खत्म कर दिया और पता भी नहीं लगा कैसे खत्म किया, लेकिन यहाँ पर नेट से ही खत्म हो गए।
अभी यहाँ पर मैंने नेड किया यहाँ पे और शायद से कोई नॉक था यहाँ पे, वो क्लियर आ गया सबसे पहले तो। मैं इधर गया लेकिन यहाँ पे कोई था नहीं, और यहाँ पर हेडशॉट देके इसको नॉक किया सबसे पहले तो, यहाँ पे कोई नहीं था। और यहाँ पर लास्ट वाला राउंड था हमारा, ये राउंड भी हम भूया करते हैं और इसी के साथ हमारे हो जाते हैं टोटल यहाँ पे 161 स्टार कम्प्लीट। फिर स्टार्ट होता है हमारा ये वाला मैच और यहाँ पे काफी डैमेज है, ये बंदा भी काफी डैमेज, मेरा किल चोरी हुआ था लेकिन मैंने भी किल चोरी कर लिया। अब यहाँ पर हिसाब बराबर, अब यहाँ पर इसको भी मैंने नॉक कर दिया पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पर दो किल आ चुके हैं मेरे पहले राउंड में। यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर ही रहा था कि ये वाला राउंड निकल जाता और यहाँ पे मतलब दो किल चोरी हुई, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जाते अरे पता नहीं इसने मेरे को कैसे मारा, मेरा नेट भी नहीं गया इसके ऊपर और यहाँ पर इसने मेरे को क्लियर कर दिया। और इतने में यहाँ पर सारे टीममेट्स ने उस सामने वालों को मार दिया और यहाँ पर एक ही बंदा और उसको नेट करके पता नहीं कैसे लेकिन इसने खत्म कर दिया। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या, इस राउंड में आते हैं हम और यहाँ पर आने के बाद पता नहीं कैसे लेकिन हेडशॉट लगाया इसको एंड यहाँ पर नॉक आ चुका है। तो यहाँ पर नॉक आ गया तो रश करना तो बनता है। मैं सामने गया लेकिन एक बंदा यहीं पे था कंटेनर पे, तो मेरे पास एक नेट है, देखते क्या होता है। सीधा नेट किया इसके ऊपर और ये बंदा नॉक आ जाता है। जैसे ही नॉक आया मेरे पास यूएमपी थी तो मैंने ट्राई किया, एक ही बंदा है तो यहाँ पर रश कर देते हैं एंड यहाँ पर रश करना ठीक होगा बिकॉज एक लास्ट बंदा है पता नहीं किधर है। यहाँ पर ये बंदा तो नॉक पड़ा हुआ है लेकिन ये तो ऑफलाइन है, इसको मैंने हेडशॉट दिया और यहाँ पर ये राउंड हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर लास्ट राउंड में पता नहीं कैसे लेकिन मैं बीच में फंस गया यहाँ पर और इसने मेरा मतलब सैंडविच बना दिया, मैं खत्म हो गया। मेरे टीममेट्स पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक लास्ट बंदा है इसको खत्म किया और ये वाला मैच भी हम काफी इजी विन करते हैं और इसी के साथ हमारे काफी अच्छे प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं एक और मैच में, मार यहाँ गया पहला बंदा नॉक। जैसे ये बंदा नॉक आता है मेरे को नहीं पता कि मैं इसको क्लियर लूंगा नहीं, लेकिन वो बंदा क्लियर नहीं होता और ये बंदा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, इसको भी मैंने डैमेज दे दिया। मेरे पास फार्मस है तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सामने की साइड एक बंदा, ये यहाँ पर काफ़ी डैमेज था और यहाँ पर ऊपर की साइड जा रहा है एक बंदा, देखते हैं क्या होता है। मेरे पास फार्मस है तो यहाँ पर मैच निकाल तो सकते हैं। मेरे दो टीममेट्स नॉक हो गए, इसको मैंने नॉक कर दिया। मेरे ऊपर आ रहा था भाई फायर, पता नहीं कौन खत्म कर रहा है मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर एक लास्ट तीन बंदे बचे हुए हैं तो देखते हैं क्या राउंड निकलेगा ये वाला। मेरे पास मेडिकेट भी एक ही थे। यहाँ पे ये बंदा मेरे सामने आया और यहाँ पर एक राउंड हम ऑलरेडी हार चुके हैं। मैंने काफी डैमेज दिया इसको। यहाँ पे एक लास्ट बंदा है शायद से, हाँ इसको डब्ल्यू मार के खत्म किया। मेरी एचपी काफी लो थी तो मैं नहीं गया। यहाँ पर ये बंदा जाता और इसको भी खत्म कर दिया इसने। यहाँ पर ये वाला राउंड भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद इस राउंड में क्या होता है, सीधा बंदा रश कर देता है ऊपर की साइड। यहाँ पर एक बंदा तो है ऊपर, स्किल ब्लॉक कर दी मैंने इसको, काफी डैमेज है। मैं सीधा नीचे गया और मैंने जाते ही इसको नॉक ले लिया। अब एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, किधर की साइड है नहीं पता, सामने है। पता कैसे होता है। इसने मेरे को नॉक ले लिया पता नहीं कैसे, एक लास्ट बंदा। अब देखते क्या ये बंदा खत्म कर पाएगा। इस बंदे ने काफी इजी खत्म किया इसको, कभी कभी रैंडम्स काफी अच्छे मिल जाते हैं जैसे कि ये मिल गया। यहाँ मैंने दो बंदे नॉक दे दिए तो यहाँ पर अब रश करना तो बनता है, तो चलो रश करते हैं। सबसे पहले मेरे पास तात्सुया भी है तो क्या यहाँ पर कुछ हो पाएगा, देखते हैं। मेरे पास एक नेट है तो यहाँ पर ये बंदे रिवाइव होंगे तो ये बचेंगे तो नहीं। मैंने फ्लैश फ्रीज कर दी पहले तो, यहाँ पर ये सारे रिवाइव हो गए भाई, सारे रिवाइव हो गए लेकिन एक ही गोली के हैं। यहाँ पर मैंने एक को नॉक किया सबसे पहले तो यहाँ पर। अब सामने की तरफ यहाँ पर दूसरा बंदा भी नॉक आ गया, पता नहीं कैसे नॉक आया लेकिन वो नॉक तो आ गया। अब यहाँ पर सामने की तरफ बंदे हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं। अरे नहीं भाई, ये इतना कैंपर बंदे थे तो हम देख सकते हो यहाँ पर पता नहीं कैसे लेकिन खत्म कर दिया। अभी देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ पर लास्ट बंदा बचा हुआ है, लेकिन इसने निकाल दिया भाई राउंड। कभी कभी रैंडम्स ऐसे भी मिल जाते हैं जो तुम्हें अकेले राउंड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कभी कभी काफी खराब मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सब लक पे डिपेंड करता है, मैं तो भाई लक के भरोसे रहता हूँ यहाँ पे रैंडम्स के साथ। बाकी यहाँ पर कैसे भी करके उसने निकाल दिया। अब देखते हैं लास्ट वाले राउंड में क्या होता है बिकॉज एक ही बंदा बचा हुआ है। अब यहाँ पर अगर इस मैच में हम हारे तो यहाँ पर हम हार जाएंगे, तो यहाँ पर ये राउंड हारना तो नहीं है। एक बंदा है लास्ट जो कि सामने की तरफ है, काफी अच्छा डैमेज दे रहा था वो बंदा। इसने यहाँ पर मेरे को भी काफी गंदा डैमेज दे दिया, ऐसे लग रहा है राउंड जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने हेडशॉट के साथ इसको भी खत्म किया और इसी के साथ हमारे टोटल 174 स्टार यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। भी नहीं मार सकता, 150 मारेगा फिर 150। अभी आ जाओ यहाँ, देखते क्या होता है। ये पीछे वाले को पता नहीं किसने नॉक लिया लेकिन काफी सही नॉक लिया। अब यहाँ पर सामने की तरफ बंदे हैं तो मेरे पास यहाँ पे फ्लैश फ्रीज है, मैंने वॉल ब्रेक कर दी यहाँ पे। जैसी वॉल ब्रेक करी एक और लग गई यहाँ पे, इन्हें लग रहा है यहाँ पर ये बच जाएंगे, लेकिन एक लास्ट बंदा है, देखते क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर मेरे पास फ्लैश फ्रीज है, क्या फ्लैश फ्रीज है मेरे पास नहीं, यहाँ पर फ्लैश फ्रीज तो अभी नहीं है। एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, उसको मेरे टीममेट ने खत्म किया और यहाँ पर ये राउंड हम निकाल लेते हैं। बाकी सामने वाले दो राउंड जीत चुके हैं, ये कमबैक राउंड चल रहा है हमारा।
ये क्या पहला बंदा नॉक एंड यहाँ पर सामने वाला किधर है, दूसरा बंदा इधर ही साइड था और इसको भी पता नहीं किसने तो नॉक ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये भी नॉक हो जाता है। और यहाँ पर मैं क्या इमोट दिखा दूँ, मैंने बस यहाँ पर फ्लैग इमोट दिखा दिया इसको। अब एक लास्ट बंदा बचा हुआ है जो मेरे सामने आया, इसको मैंने हेडशॉट दिया फार्मर्स का और यहाँ पर ये बंदा भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये बंदा थोड़ा सा डैमेज था, मेरे पास एक नेट है तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सामने की तरफ तीन बंदे हैं, यानी कि ऊपर भी एक बंदा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा। इधर से आ गया ये बंदा, मैंने काफी डैमेज दिया। यहाँ पर एक बार फिर से डैमेज, पास ये क्लियर। एक और बंदा था, इसको नॉक किया और यहाँ पर ये भी बंदा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमने लगातार तीन राउंड निकाल लिया, अब एक लास्ट राउंड है, देखते हैं क्या होता है इस राउंड में। यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है, यानी कि जो भी है यहाँ पर ऊपर की साइड है और यहाँ पर मशरूम है मेरे पास, तो मैं यहाँ से कवर दे सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं ऊपर की साइड। और अभी के टाइम पे सारे मशरूम गायब हो चुके हैं, पता नहीं साइबर मशरूम को क्या कर दिया इन लोगों ने। एंड यहाँ पर ड्रॉप भी मतलब ऐसे नहीं आते, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, मतलब कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही है, देखते हैं क्या होता है क्या। ये क्या यहाँ पे पहला बंदा नॉक, एंड यहाँ पर जैसे ही नॉक आता है सामने की तरफ एक और है, इसको भी मैंने नॉक ले लिया। अब यहाँ पर इसको नॉक लेते ही मैं अपना क्लियर करने जाता हूँ, बिकॉज कोई रिवाइव ना करे, बस पीछे कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो बंदे तो आगे किल, आप देखते हैं कहाँ है लास्ट के दो बंदे हैं। यहाँ पे मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, शायद से यहाँ पे मेरे सामने आया, ये भी नॉक मैं भी नॉक, मेरे को कोई रिवाइव दे दो भाई। एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, यानी कि 1v1 यहाँ पे यूएनजी अमन क्या यहाँ पर खत्म कर पाएगा इसको। लास्ट एक बंदा है, क्या मेरे को रिवाइव मिलेगा। यहाँ पर AWM पड़ी और ये बंदा खत्म, सोनिया का कोई फायदा नहीं अब यहाँ पे। और यहाँ पर ये राउंड भी हम काफी इसी विक्ट्री करते हैं और इसी के साथ हमारे हो जाते हैं काफी अच्छे स्टार प्लस। बाकी आज के लिए बस इतना है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।